यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने आज ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय आतिशी और दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय के साथ साथ आम आदमी पार्टी के एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक से भी एक मीटिंग की, जिसमें सभी छात्रों ने अपनी अपनी मांगे रखी। आखिर क्या कुछ मांगे इन छात्रों की तरफ से रखी गई, इस मुद्दे पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से जनतंत्र टीवी ने भी की खास बातचीत, देखिए जरा। तैयारी कर रहे हुए छात्रों ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की है। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण जी, क्या क्या मांगे आपने रखी मंत्रियों के सामने? हमारी मुख्य 10-12 बातें थी, हमने एक एक उसमें बता दिया, जिसमें से एक रेंट का इशू था। बहुत ज़्यादा वहाँ छोटे छोटे कमरों के 15,000, 20,000, 25,000 रेंट लिया जाता है, उस पर रेगुलेशन लाने के लिए हमने बोला है। और वहाँ पे बेसमेंट जो चल रही है लाइब्रेरी, वो तो बंद हो गई, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसकी जगह पे गवर्नमेंट लाइब्रेरी खोली जाए, उसके लिए हमने किया है। और कंपनसेशन के लिए भी हमने बोला है कि कम से कम जो भी फैमिली, जिनके भी बच्चे खत्म हुए, उनकी कम फैमिली को कम से कम 1 करोड़ और गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी इस चीज़ को हमने यहाँ पे रखा है, और बहुत सारी हमारी डिमांड है, उसको एक एक करके हमने अच्छे से बता दिया है। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया? सरकार ने बोला, बिल्कुल उन्होंने नोट किया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम उस पर वो करेंगे। और अभी प्रोटेस्ट, हमारा एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा प्रोटेस्ट अभी वहाँ पे चल रहा है, दिल्ली पुलिस वहाँ जबरदस्ती हमारे प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन अभी बच्चे संगठित होकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमने उनको भी बुलाया कि आप वहाँ करके बातचीत करें। 4 बजे जा रही है, अभी जा रहे हैं वो लोग, उन्होंने बोला है वहाँ पहुँच रहे हैं, हम लोग भी वहाँ पे पहुँच, बहुत सारे बच्चे। और आप लोगों, मीडिया से ये अपील है कि आप लोग वहाँ पहुँचिए, हमारे प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं है, और हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई दिल्ली सरकार के मंत्रियों से, क्या कुछ मांगे आपने रखी, क्या आश्वासन मिला? हमारी नीति आतिशी जी से बात हुई, और मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बाकी तमाम जो भी यहाँ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग ऑफिसर थे, उन सभी थे। हम लोगों ने जो मेन बात है कि उसमें कि हमें जो फ्लड है या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, या जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग है, कोचिंग माफिया है, उनसे हमें निजात दिलाई जाए, और एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जिससे कि हम रेगुलर, समस्या ऐसा ना हो कि 2 दिन का कांड हो फिर बात दब जाए, ये एक लॉन्ग टर्म फेज हो जाए कि लॉन्ग टर्म की समस्याओं को दूर किया। जैसे अगर एक मीटिंग है यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरी से बात करके, उसी तरह जगह जगह एक बॉडी, रेगुलेट बॉडी हो, जो हमें एश्योर कर सके कि हम उन बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं से तो डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों पर जाके हम अपनी बात रखेंगे, एक पटल होगा जिससे कि हमारा समस्या जो भी होगा वो उसका निदान हो, निराकरण हो, जो कह सकते हैं। जो भूख हड़ताल आप लोगों की वहाँ पर चल रही थी, क्या उसको लेकर भी बातचीत हुई, वो खत्म? अभी वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रशासन हमारे अंडर है नहीं, हम वहाँ जाएंगे, भूख हड़ताल जो भी उसकी अथॉरिटी होगी। हम लोगों ने मांग किया कि जो कंपनसेशन है वो 1 करोड़ हो, क्योंकि 10 लाख वो कहते हैं, 10 लाख में होगा क्या? एक बच्चा वहाँ से आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी पूरी जीवन चली जा रही है, कोई PhD कर रहा है, आप 10 लाख उसे भीख नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पे 1,000 करोड़ रुपया आपको देते हैं, आप बदले में हमें भीख मत दीजिए। उसका एक उचित, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो एक उचित दायरा होता है, उसी तरह एक उचित जो मांग है उसकी मांग कर रहे हैं हम। कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाने की बात कर रही है, उस पर भी चर्चा हुई है? उस पर भी चर्चा हुई है कि हम कैसे कोचिंगों को रेगुलेट कर सकते हैं, और क्या कोचिंग कैसे दिल्ली गवर्नमेंट ही क्यों चला पाए, या शायद दिल्ली गवर्नमेंट जैसे मेंटरशिप चलाती है, दिल्ली गवर्नमेंट जैसे कोचिंग कहते हैं कि हम डायरेक्ट IIT और नीट की एग्जाम तैयारी कराते हैं, UPSC की भी तैयारी अगर हो सकता है भविष्य में कराने की योजना उनकी बन रही है। तो क्या आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन अभी ऐसा कोई ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं है, अभी प्राइमरी लेवल पे बात हुई है, अभी बोली कि अगर जैसा जरूरत लगेगा हम दोबारा बुलाएंगे, उसके बाद देन हम फाइनली रिपोर्ट तैयार करेंगे, होंगी उस तरीके से काम किया जाएगा। लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन को लेकर बातचीत? हाँ, लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन, शॉर्ट टाइम नहीं। शॉर्ट टाइम यही है कि जो तत्काल में समस्याएं दूर की जा सकती हैं वो सही हो जाए, शॉर्ट टाइम में ये है। क्या लग रहा है कि अब सॉल्यूशन हो जाएगा? लग तो रहा है सर, होना चाहिए। बोले हैं कि हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए क्या होता है, सुधार होता है कि नहीं होता है सर। देखिए, UPSC की तैयारी कर रहे तमाम छात्रों ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की है, आतिशी जिसमें मौजूद थी, गोपाल राय जिसमें मौजूद थे, और सीधे तौर पर इन्होंने अपनी सभी मांगे रखी हैं, और कंपनसेशन की बात की गई है, जिन 3 छात्रों की जान गई, और लॉन्ग टाइम प्लान के लिए, जो सॉल्यूशन के लिए जो तमाम विचार हैं और जो अपने मांगे हैं वो इन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों के सामने रखी हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ।